नमस्कार दोस्तों, नमो भारत चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं सियाराम जानकी वल्लभ सेवा सदन हरिद्वार में। ये बहुत ही प्यारा सा एक धर्मशाला है, या आप इसको आश्रम भी कह सकते हैं। इसका जो एंट्रेंस है वहां पर ही आपको बहुत अच्छे से पेड़ पौधे, ये हरियाली देखने को मिलती है और बड़ी खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ है। इस धर्मशाला को देखकर आपको लगेगा ही नहीं कि ये 25 साल पुराना धर्मशाला है, और इस धर्मशाला को आज भी बड़े अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। इसके हम आपको रूम्स दिखाएंगे और इस धर्मशाला को विजिट कराएंगे, इसके बारे में आपको पूरी डिटेल बताएंगे। आप वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा हमारे साथ। ये यहाँ का रिसेप्शन है, इसका कॉन्टेक्ट डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। यहाँ पे आप जो भी कुछ इंक्वायरी करना चाहते हैं रूम से रिलेटेड, बुकिंग से रिलेटेड, तो आप कॉन्टेक्ट करके पता कर सकते हैं। अभी हम आपको एक डबल शेयरिंग रूम दिखाने वाले हैं, और इस रूम का जो इंटीरियर है बहुत ही प्यारा सा इंटीरियर है। वुडन का ये इंटीरियर बनाया हुआ है। यहाँ पे आपको डबल कवर्ड्स मिलते हैं, कवर्ड्स में आप अपना सामान वगैरह सब अच्छे से रख सकते हैं। ये आश्रम जो है 25 साल पुराना है, और जैसे 25 साल पहले वुडन का एक इंटीरियर होता था, उसी तरह का सारा इसमें वुडन का इंटीरियर है, उसी तरह से सारा सब कुछ बनाया हुआ है। उन सबको मेंटेन भी किया हुआ है बहुत ही अच्छे से, और इसके जो बाथरूम्स हैं अभी दोबारा से रेनोवेट किए हैं और बहुत ही अच्छे से इनको तैयार किया है। बड़े खूबसूरत तरीके से इनको डेकोरेट कर रखा है। बाथरूम देखने में तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, मॉडर्न बनाया हुआ है। आश्रम वैसे 25 साल पुराना है, लेकिन इसका जो बाथरूम है वो बहुत ही मॉडर्न टाइप का है। इस रूम का जो प्राइस है डबल शेयरिंग के लिए दो लोगों का रुकने का, वो 1200 रुपए है। 1200 रुपए में यहाँ पर इस रूम में दो लोग आराम से रुक सकते हैं। कुछ सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, टेबल चेयर यहाँ पे आपको मिलता है, आपको साइड टेबल मिलता है बेड के साथ में, एक अच्छा सा LED TV मिलता है आपको यहाँ पर। ये यहाँ पे बालकनी है, आपका रूम का पर्सनल बालकनी रहेगा। आप यहाँ पे अपने कपड़े वगैरह सुखा सकते हैं, थोड़ी बहुत देर बैठना चाहें तो इधर अच्छा समय बिता सकते हैं। इस धर्मशाला में एंटर करते ही यहाँ पर एक बहुत प्यारा सा मंदिर बनाया हुआ है, शिवलिंग बनाया हुआ है। तो यहाँ पर किसी तरह की पूजा वगैरह करवानी है तो पूजा करवाई जा सकती है। ये सीताराम जी का मंदिर यहाँ पर बनाया हुआ है, और अच्छा सा सब सेटअप है। यहाँ पे 15-20 लोग आराम से बैठ के पूजा वगैरह करवा सकते हैं। यहाँ पर एक और डबल शेयरिंग का अरेंजमेंट है, ये भी एक AC रूम है, और इस रूम में भी वो सारी फैसिलिटीज हैं जो बाकी सब रूम्स में हमने आपको दिखाई हैं। इसमें भी आपको बड़ा अच्छा सा एक अलमीरा मिल रहा है। इस रूम में मार्बल का फर्श है, यानी कि जो 25 साल पहले का जो आश्रम बनाया हुआ है उस समय का ही ये फर्श इसमें डाला हुआ है, उसको चेंज नहीं किया है। इसका बाथरूम भी बहुत ही अच्छा सा बनाया हुआ है, ये पार्टीशन दिया हुआ है इसमें ग्लास का, शावर वगैरह यहाँ पे सब अच्छे से लगाया हुआ है। इस डबल शेयरिंग रूम का जो प्राइस है वो भी 1200 रुपए है। यहाँ आपकी बालकनी बनी हुई है एक अच्छी सी, इस बालकनी में आप चेयर्स का अरेंजमेंट है तो आप चाहें तो यहाँ पर बैठ सकते हैं, और ये सब व्यू आपको मिलेगा यहाँ से। एक शानदार सी गैलरी यहाँ पे बना रखी है, बहुत ही अच्छा सा यहाँ पे वर्क किया हुआ है, बड़ा पीसफुल है ये सब, और अच्छी वाइब्स भी है यहाँ पर। अगर आप 3 शेयरिंग के बारे में सोच रहे हैं तो आपको यहाँ पर 3 शेयरिंग का एक ऐसा अरेंजमेंट मिलेगा, सेम उसी रूम की तरह ही है, बस इसमें एक बेड एक्स्ट्रा है, और यहाँ पे एक कबर्ड आपका मिलेगा, टेबल मिल रहा है, साइड टेबल दो मिल रहे हैं यहाँ पर, और विंडो है, और ये फुली AC रूम है। इस AC रूम का जो प्राइस है उसी रूम की तरह ही है, सेम 1200 रुपए में ये आपको मिल जाएगा। यहाँ का जो बाथरूम है वो भी बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, बड़ा अच्छा सा एक बाथरूम बनाया हुआ है। बाथरूम का इंटीरियर बहुत ही प्यारा सा है, इतना सुंदर सा एक वॉल टाइल लगाया हुआ है यहाँ पे। ये बैक साइड में पार्टीशन देके आपका शीट अटैच किया हुआ है। जब आप यहाँ आते हैं तो इस व्यू का आनंद ले सकते हैं। ये यहाँ पर एक 4 शेयरिंग का अरेंजमेंट है, इसमें आपको एक डबल बेड मिलता है, 2 सिंगल आपको बेड मिलते हैं। ये इस तरह से सब अरेंजमेंट है आपका, 4 लोग इस रूम में आराम से रुक सकते हैं, और यहाँ पर हर बेड के साथ में एक साइड टेबल दिया हुआ है। यहाँ पर आपका ये एक सोफा का और टेबल का अरेंजमेंट है ब्रेकफास्ट और डिनर वगैरह करने के लिए, और यहाँ पर ये ड्रॉवर का और कबर्ड का अरेंजमेंट है, आप अपना लगेज यहाँ सब कैरी कर सकते हैं, आप अपना कुछ पर्सनल सामान जो है वो सब यहाँ पर आप रख सकते हैं, और आपको यहाँ पर एक अच्छा सा LED भी मिलता है। और ये जो रूम है ये फुली AC रूम है। ये इस रूम का बाथरूम है, बहुत ही प्यारा सा एक इंटीरियर है इस बाथरूम का। अभी तक जितने भी मैंने होटल्स या धर्मशाला दिखाई हैं तो बाथरूम ऐसा मैंने कहीं भी नहीं देखा है, इतना अच्छा सा और प्यारा सा बाथरूम जो ये है। यहाँ पर इस बाथरूम में ग्लास का एक पार्टीशन दिया हुआ है, वो एक लुक बड़ा अच्छा है यहाँ का, एक रिच लुक आ रहा है यहाँ पे। अब अगर बात की जाए इस रूम की प्राइस की, AC रूम का जो प्राइस है 4 लोगों के लिए वो मात्र 2000 रुपए है। यानी कि अगर आप 4 लोग यहाँ पे रुकते हैं, एक अच्छा सा अरेंजमेंट मिलता है आपको, अच्छा सा इस रूम का एक फील है, वाइब है, और वो भी 2000 रुपए में आपको एक AC रूम मिल रहा है।
इन सब फैसिलिटीज को देखा जाए तो ये एक बहुत ही बजट फ्रेंडली रूम है। ये इस धर्मशाला का डाइनिंग एरिया है, फूड का अरेंजमेंट है, बहुत ही सात्विक फूड यहाँ बनाया जाता है और जिस भी तरह के गेस्ट होते हैं यहाँ या जितने भी गेस्ट होते हैं उसी तरह से यहाँ सब ये अरेंजमेंट लगा दिया जाता है। ये फूड में आपको यहाँ सब मिलता है, दाल है, रायता है, चावल है और एक सब्जी है, सलाद है, इन सब के साथ में यह पापड़ भी है। फूड के लिए आपको यहाँ भोजनालय में आना होगा। चाय कॉफी है वो सब आपको रूम सर्विस में मिल जाता है। बहुत टेस्टी सा ये फूड है। नमक मिर्च मसाले भी बैलेंस है, यानी कि 5 स्टार रेटिंग हम दे सकते हैं फूड को कि अच्छा फूड है ये। एंड ऑफ द मील आपको एक स्वीट मिलता है तो ये आपको एक अच्छा सा फील आता है कि आपने खाने के बाद कुछ मीठा खाया। ये छोटा सा एक पार्क भी यहाँ पे बनाया हुआ है तो यहाँ बैठ सकते हैं इस पार्क में। और इस पार्क में यहाँ पर बहुत सारे तुलसी के पेड़ लगाए हुए हैं। जो कहे तो वो बन जाता है, जैसे कहे तो वैसा बन जाता है। मसाले भी बाजार का कोई यूज करते नहीं, घर के होते हैं, इनके सब स्पेशल दिल्ली से आते हैं और स्टाफ भी 20-20 साल पुराना है। ये सब नहा के धो के पूजा करके तब बनाते हैं, भोग लगाते हैं तो बहुत अच्छा है। हमें 2-3 दिन हो गए यहाँ पे, हम यहाँ पे रेगुलर आते हैं। ठहरने को जगह तो हर जगह इससे भी अच्छी मिल सकती है और भी अच्छे होटल वगैरह, लेकिन यहाँ की USP यहाँ का भोजन है 3 टाइम का, वो ऐसा आपको घर पे मिल सकता है या यहाँ मिल सकता है, तीसरी कहीं जगह कोई बासी खाना नहीं, वो बना देते हैं 2-3 घंटे पहले बता दो, वही बना। बढ़िया है, तीरथ तीरथ के साथ बहुत बढ़िया है, फैसिलिटी है, कोई कमी नहीं है। एसी है, साफ सुथरे कमरे हैं, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास अच्छी मेंटेनेंस है। 25 साल बनने के बाद ही मेंटेनेंस बहुत अच्छी उन्होंने मेंटेन करी हुई है। पार्किंग की भी प्रॉब्लम नहीं है, सामने पार्किंग खरीदी तो बहुत अच्छी। नहीं सीधे ही है, रोका गाड़ी, हम तो शांतिपुर वगैरह जाते हैं 2 किलोमीटर 1-1.5 किलोमीटर है, बहुत पास पड़ता है। हर की पौड़ी पास पड़ता है, शांतिपुर पास पड़ता है, दूरदारी चौक कहलाता है। और यहाँ पे एकदम घरेलू माहौल है, खाना बहुत अच्छा है, आपके अपने घर से भी ज़्यादा अच्छा खाना मिलता है यहाँ पे। USP यही है इनकी, एकदम नीट एंड क्लीन है, माहौल बहुत अच्छा है, चारों तरफ से हवादार है। पार्किंग के लिए भी यहाँ पर अच्छी फैसिलिटी है, काफ़ी सारी गाड़ियाँ यहाँ पार्क हो सकती हैं। यहाँ की जो लोकेशन है वो दूधाधारी चौक है, साई बाबा वाली गली इसको बोलते हैं, दूधाधारी चौक। तो वहाँ से मेन हाईवे आता है तो मेन हाईवे से यहाँ के लिए सीधा आया जा सकता है।